देखो भाई, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11 है, स्पेशल पर्पस बुक। ठीक है, और मतलब कि जो हमारे पास अभी जब जितना मैंने तुम्हें करवाया है वो सारा सारा कैश बुक, जितना मैंने करवाया कितना था वो, मतलब था वो सिर्फ कैश बुक के बारे में था, मतलब कि जो भी तुम्हारा कैश बुक है ठीक है उसके अंदर तुम्हारे मैंने पहले करा दिया, और सिंगल कॉलम करवा दिया, डबल कॉलम करवा दिया, ट्रिपल कॉलम करवा दिया। ठीक है, उसके बाद है पैटी कैश बुक करवा दिया मैंने। ठीक है, अब जो तुम्हें नेक्स्ट ध्यान रखना ना वो क्या समझो, देखो अब जो हम करेंगे ना, देखो कैश बुक तो पहले करवा चुका हूं मैं, ठीक है भाई, कैश बुक जो हमारे पास पहले करवा चुका, लेकिन अब जो हमने कैश बुक को छोड़ के और जो बाकी बुक है, परचेस बुक आ गया, ठीक है, परचेस रिटर्न बुक, ठीक है, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सारा सारा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो चैप्टर का नाम डालो स्पेशल पर्पस बुक, ठीक है भाई, कैश बुक इसमें मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, कैश बुक के बाद अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना हमारे पास वो है परचेस बुक, ठीक है, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। देखो जितनी भी बातें मैं बताऊंगा पहले सारी की सारी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये है, मैंने कैश बुक के अंदर तुम्हें क्या करवाया था, जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन थी वो सारी सारी बातें करवाई थी। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं वो है परचेस बुक, ठीक है, परचेस बुक या फिर परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक या फिर सेल्स रिटर्न बुक। हमें अगर सिंपल सी बात बोलूं तो कैश बुक को छोड़ के बाकी सारी बुक कर रहे हैं हम। ठीक है, कैश बुक छोड़ के बाकी सारी बुक। ठीक है, अब समझो भाई, परचेस का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था, परचेस का मतलब था स्टॉक, ये याद है, मतलब कि जब भी हमें अगर मान लो कि अगर हमारे गुड्स जो है जल गए, खत्म हो गए, हम किसको कम करते थे, परचेस कम करते थे, जर्नल एंट्री के अंदर अगर मान के चलो कि हमारे जो गुड्स है अगर वो बर्बाद हो गए, हम क्या करते थे, परचेस को कम कर देते थे। ठीक है, वैसे मान लो अगर जो कंपनी का जो मालिक है वो अपने घर के लिए कोई सामान ले गए यहाँ से, ठीक है, मतलब कि जो गुड्स थे, जैसे मान लो कि हम ना जो फैक्ट्री चला रहे हैं, जूते की फैक्ट्री चला रहे हैं, ठीक है, अब क्या है कि उसमें से वो ना थोड़ा सा जूते लेके चला गया अपने बेटे के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, उसमें से जितने भी जूते कम होंगे ना वो क्या कम करेंगे, परचेस को कम कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब समझो देखो इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट बात है वो देख लो, कि हमारे पास ना जो भी स्पेशल पर्पस बुक के अंदर ना जो हमारे पास आती है वो क्या है, देखते हैं। पहला जो है सब डिवीजन ऑफ स्पेशल पर्पस बुक, स्पेशल पर्पस बुक, ठीक है भाई, क्या क्या आता है इसके अंदर। पहला मेरे पास क्या आ जाएगा, पहला आएगा कैश बुक। ठीक है, कैश बुक के अंदर मैं तुम्हें जितनी बातें, पहला मेरे पास है सिंगल या फिर डबल या फिर है ट्रिपल एंड पैटी कैश बुक। ठीक है भाई, मैं तुम्हें ये चीज कर, देखो जो कैश बुक है उसके अंदर सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड पैटी कैश बुक ये करवा चुका हूं। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे ना, पहला हमारे पास है वो है परचेस बुक, परचेस बुक, ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास है परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न बुक। ठीक है, फिर जो और नेक्स्ट है वो है हमारे पास सेल्स बुक, सेल्स बुक, उसके बाद जो अगला जाएगा वो सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है भाई, देखो पहले मेरे पास है कैश बुक, कैश बुक के बाद है परचेस बुक, परचेस बुक के बाद है परचेस रिटर्न, फिर सेल्स बुक, फिर जाके है सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, बताओ पहले इतनी बात समझ आ रही है। देखो भाई, हम ना जितने भी ट्रांजैक्शंस क्रेडिट में करेंगे, ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हम करेंगे, मतलब कि ये मान के चलो ऐसा पैसा जिसको हम बाद में पे करते हैं। ठीक है, मैं मान लो किसी फैक्ट्री में गया, मैंने बोला भाई देख बात ऐसी है, इस समय उधार दे, जैसे मेरा बिक जाएगा मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। ठीक है, इस तरीके से होता है भाई, मोस्टली बिजनेस ना ऐसे चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमें ध्यान क्या रख के चलना है कि परचेस बुक है या फिर परचेस रिटर्न, सेल्स या फिर सेल्स रिटर्न, ये सारे के सारे किस में होते हैं, क्रेडिट में। ठीक है, इसके अंदर कोई सी भी ट्रांजेक्शन कैश की नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई सी कैश की ट्रांजेक्शन हुई वो कहां जाएगी, कैश बुक के अंदर, बात समझ आ रही है। ठीक है, ये जो जितनी भी है ना ये सारी किस में होगी, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन होगी,
ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं है। देखो तुम्हें तो देखा जैसे परचेस है, फिर सेल्स है, परचेस रिटर्न है, फिर सेल्स रिटर्न है, तुम्हें ध्यान क्या रखना है, हम इसमें सारी की सारी उधार वाली ट्रांजेक्शन करेंगे, जितनी बुक होगी ना इसमें क्या उधार वाली ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज और क्या रिकॉर्ड करेंगे इसके अंदर, भाई कंपनी जिस चीज में डीलिंग कर रही है ना, ठीक है, सिर्फ उनको रिकॉर्ड करेंगे इसमें। जैसे मान लो कंपनी क्या है कि लैपटॉप की कंपनी है, ठीक है, सिर्फ लैपटॉप के परचेस और सेल लिखेंगे इसके अंदर, किसी और चीज का परचेस सेल नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई हमने स्कूटर बेच दिया उसे भी लिख दिया इसी के अंदर, बात समझ आ रही है, जैसे परचेस है, ठीक है, तो हमारी कंपनी देखते हैं, हम पहले देखेंगे कि जो हमारी कंपनी है किस चीज की है, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसके अंदर रिकॉर्ड लिखेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि राम स्टेशनरी, ठीक है, परचेस ये मान लो कि 20 बुक ऑफ हिंदी, ऐसा लिख दिया मैंने, तो हम क्या समझेंगे, देखो हम समझेंगे भाई स्टेशनरी की दुकान है, इसके अंदर सिर्फ परचेस में किसकी एंट्री होगी, जो परचेस बुक है इसके अंदर सिर्फ जो स्टेशनरी का सामान है सिर्फ उसकी एंट्री होगी, ठीक है। फिर मान लो उसने बीच में ना उसने सामान खरीदा, मान लो उसने बाइक निकाल ली, अब उसने बाइक भी तो खरीदी है, हम बाइक लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बाइक नहीं आएगा इसके अंदर, क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि परचेस है, जो परचेस बुक है उसके अंदर सिर्फ कंपनी जिस चीज में डीलिंग करती है सिर्फ उसको रिकॉर्ड किया था और किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है। आप समझो इसमें क्या है कि ओनली परचेस ऑफ गुड्स इन विच ये मान लो कंपनी डील्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है, क्या है कि ओनली परचेस ऑफ गुड्स, सिर्फ उस परचेस ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड करेंगे इन विच कंपनी डील्स, ठीक है, कंपनी भाई जिस चीज में डील करती है ना सिर्फ उन्हीं सब का रिकॉर्ड करेंगे, किसी और चीज का रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बात समझ में आ रही है। अब अगर इसमें नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, अगर इन सब में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, हमारे पास एक लास्ट का आता है जर्नल प्रॉपर, ठीक है भाई, जर्नल प्रॉपर जो हमारे पास है ना, समझो जो हमारे पास जर्नल प्रॉपर है, जर्नल प्रॉपर को हम ना एक तरीके से मान लो जर्नल जो है जर्नल भी बोल सकते हैं, आसन आ रही है। देखो एक तो मैंने लिखा जर्नल प्रॉपर, भाई तुम्हारे पास जर्नल प्रॉपर का मतलब क्या है कि एक हमारे पास एक ऐसा ऐसी बुक है जिसके अंदर और जर्नल चीजें रिकॉर्ड की जाती है। देखो इसमें मैंने पहला क्या बता दिया, पहले तो मैं सिंपल सी बात बताई कि अगर परचेस बुक है उसके अंदर सिर्फ जो क्रेडिट की परचेस है, जो उधार वाली परचेस है, ठीक है, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सेल्स की जो बुक है उसके अंदर जो सिर्फ हमारे पास क्रेडिट वाली जो सेल होगी सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और सेल्स रिटर्न हो गया, ठीक है, कौन सी रिटर्न होगी, अगर हम उधार में खरीद रहे हैं उधार में तो वापस करेंगे ना, ठीक है, ये चीज है। हमें ना इसके बाद ना जो नेक्स्ट ध्यान रखना है उसका फॉर्मेट है, ठीक है। देखो इसके अंदर ना मैं इसके ना कुछ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि अगर इस वाले का अगर कंपनी डील कर रही है कि इफ कंपनी डील्स ओनली इन, ये अगर क्या है कंपनी सिर्फ डील करती है ये मान के चलो कि लैपटॉप में, देन इन परचेस बुक ओनली परचेस ऑफ लैपटॉप विल बी रिकॉर्डेड, बताओ ये बात समझ में आ रही है, इन बातों का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अगर मैं फिर इसकी बात कर दूं जर्नल प्रॉपर की, ठीक है भाई, जर्नल प्रॉपर के अंदर ना वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो इसमें रिकॉर्ड नहीं की जा रही है, ठीक है, उन सबको इसमें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि ऑल दोज ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन अबव ऑल बुक्स आर रिकॉर्डेड हेयर आर रिकॉर्डेड इन
जर्नल प्रॉपर, बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें बात क्या समझनी है, ऑल दोज ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन अबव ऑल बुक्स, ठीक है, जो इन ऊपर की सारी सारी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए जाते वो सारे क्या है जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड किए। जैसे मान के चलो अगर मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल लेके चलूँ, ठीक है, एग्जाम्पल क्या समझोगे तुम, एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, ठीक है भाई, मैंने क्या मशीन परचेज करी है क्रेडिट पे, ठीक है। दूसरा मैं क्या लेके चल सकता हूं जो नेक्स्ट है, ये मान लो कि सेल ऑफ ओल्ड स्कूटर, या फिर मान लो ओल्ड बाइक ले लो, वैसे बाइक छोड़ो मशीन ले लेते, ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ले डालो, ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जो पुराना फर्नीचर था हमने उसको बेच दिया, ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हें ये सारी सारी बातें समझनी है, ठीक है। अब ना देखो, अगर तुम्हें ये बातें पता होती ना तो जो इसके एमसीक्यू है कम से कम उसको तो यू अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, जो एमसीक्यू है उसको तो आराम से कर लोगे, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस पे, ठीक है, क्वेश्चंस कर लेते ना, हमें थ्योरी क्या अपने आप याद हो जाती है, ठीक है, किसी भी चीज की अगर थ्योरी याद करनी है उसके क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लो आराम से कर लोगे, ठीक है, ये चीज है, इसे करो उस पर नोट डाउन। देखो अपना जितने भी बातें बता रहा हूँ पहले सारी की सारी बात ध्यान रखना, ठीक है, देखो इन बातों का ध्यान रखकर चलते ना तो एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है, जो एमसीक्यू है उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। सुनो, पहले मेरे पास कह रहा है कि जो कह रहा है कि मतलब कि कैश, जो कैश परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, या फिर जो जर्नल प्रॉपर है, ठीक है, ऑल दीज बुक्स आर ऑल्सो कॉल्ड, भाई क्या क्या बोलते हैं इसको, सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं, ठीक है, स्पेशल पर्पस बुक भी बोलते हैं, स्पेशल जर्नल भी बोलते हैं, और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, अगर तुम्हारे पास एमसीक्यू इस तरीके से आते हैं कि भाई कैश बुक आर ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, तीन ऑप्शन ले देगा, चौथा बोलेगा ऑल ऑफ दिस, तुम्हें ऑल ऑफ दिस पे टिक लगाना है, ठीक है, या फिर बोल देगा कि परचेज रिटर्न बुक आर ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, उसमें क्या है कि तीन ऑप्शन आएंगे, फिर कोई सा एक ऑप्शन आएगा तो उस पर टिक लगा देना, ठीक है। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, इन चारों को बोलते हैं, मतलब ये जितने भी ऊपर लिखे ना इन चारों को, मतलब इन सबको ये चार भी बोलते हैं, ठीक है। पहला मेरे पास क्या है कि सब्सिडरी बुक है, दूसरा है स्पेशल पर्पस बुक, तीसरा है स्पेशल जर्नल, चौथा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, ये सब बोलते हैं। अब सुनो नेक्स्ट, कहते हैं कि जो हमारे पास है परचेस बुक और परचेस जर्नल, हम इसके बारे में सारी की सारी बातें यहां से कर रहे हैं, ठीक है। सुनो, पहली बात हमारे पास है कि अ बुक टू रिकॉर्ड परचेस ऑफ गुड्स, ठीक है, ये मेरे पास क्या है कि एक ऐसी बुक है, अ बुक टू रिकॉर्ड परचेस ऑफ गुड्स। सुनो, अरे देखो मैंने क्या बोला कि अ बुक टू रिकॉर्ड परचेस ऑफ गुड्स, ठीक है, परचेस ऑफ गुड्स ट्रेडेड इन और रॉ मटेरियल, ठीक है। देखो भाई कहां कहां पे यूज होने वाला, देखो पहले मेरे पास है अ बुक टू रिकॉर्ड परचेस ऑफ गुड्स, भाई एक ऐसी बुक जो कि क्या है कि परचेस ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड करती है, ठीक है, इन और रॉ मटेरियल, ठीक है, जो भाई की रॉ मटेरियल होता है ना उसका, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। देखो भाई ऐसे गुड्स का रिकॉर्ड करते हैं हम इसमें जो कि क्या किसी दूसरे गुड्स को बनाने में यूज होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि कोई जूते बनाने वाली कंपनी है, उसने सिर्फ सोल मंगवाए किसी और दूसरी कंपनी से, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि मतलब परचेस ऑफ गुड्स होगा, ठीक है। अगली बात कह रहा है कि गुड्स इन विच द फर्म डील्स, ठीक है, और यूजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर रिकॉर्डेड। देखो इसमें हम और क्या करते हैं, गुड्स इन विच द फर्म डील्स, देखो कंपनी जिस चीज में डील करती है, ठीक है, एक तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, और यूजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ठीक है, और ऐसे गुड्स जिसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करती है उन सबको क्या है कि रिकॉर्ड किया जाता है परचेज बुक के अंदर। ये बात समझ में आ रही है। सुनो अगला एक कह रहा है कि जो कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होगी, ठीक है, वो सारी सारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगी। अगला है कह रहा है कि नॉन गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, भाई नॉन गुड्स क्या होते हैं जो एक्चुअल में गुड्स नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन गुड्स क्या है, मशीन है, ठीक है, और जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं ना वो सारे सारे हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखो जितने फिक्स एसेट्स हैं वो सारे सारे हमारे पास क्या है कि नॉन गुड्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ परचेस बुक और परचेस जर्नल, ठीक है। अब देखो कह रहे कि क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ट्रेडेड इन और मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। देखो जो मैंने यहां बात बताई थी ना
ये सारी सारी बात वही है, ठीक है। मतलब कि उन सब का रिकॉर्ड किया जाता है जो क्रेडिट में परचेस की जाती है, जो उधार में परचेस की जाती है। किस चीज के लिए? देखो, गुड्स क्रेडिट इन, ताकि ऐसा गुड्स जिसमें कंपनी ट्रेड करती है वो, ठीक है, या फिर दूसरा कह रहे कि यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, ठीक है, वो सारे के सारे गुड्स जिसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाते हैं, ठीक है, मतलब कच्चा माल जो बोल सकते हैं ना वो चीज। उसके बाद कैश परचेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, जो भाई कैश परचेस होंगे ना उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं कैश बुक के अंदर, मतलब कि परचेस बुक के अंदर, दे आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगर कोई सा भी कैश परचेस हुआ, ठीक है, उसको रिकॉर्ड कहां करेंगे हम? कैश बुक के अंदर, ठीक है। और अगली बात है, कह रहे कि इन परचेस बुक नेट अमाउंट आर रिकॉर्डेड, परचेस बुक के अंदर ना नेट अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। भाई जो नेट अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं भाई, इसको नेट अमाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो भाई, पहले समझो नेट अमाउंट का मतलब क्या है। लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? मान लो मैंने 500 जूते खरीदे, कितने खरीदे? 500, एक जूता की कीमत 1000 रुपए है, ठीक है। यहाँ पे टोटल मेरे पास कितना अमाउंट आ जाएगा भाई? 5,1,2,3,4,5,5 लाख आ गए, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 5 लाख। फिर सुनो, उसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, मान लो 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, कितना परसेंट है? 10% मान लो ट्रेड डिस्काउंट है, तो 5 लाख का 10% निकाल दो, 50,000 हो जाएगा, ठीक है। 50,000 इसमें से कर दो माइनस, कितना बच गया मेरे पास? 4,50,000, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। फिर सुनो, एक्सपेंस होगा उसको ऐड कर देंगे, जो भी खर्चा होगा ना उसके ऊपर उसको ऐड कर देंगे, जैसे मान लो फ्राइट का मतलब किराया वगैरह, कार्टेज वगैरह जितने भी होते हैं ना, ठीक है, वो सारे सारे के इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब सुनो भाई, वेजेस भी लग सकते हैं इसके अंदर। वेजेस कैसे लगेगा? हमने मजदूर रख रखे हैं कि भाई तू सामान उतारेगा चढ़ाएगा, उतारेगा चढ़ाएगा, ये सब करेगा, ठीक है। तो देखो, अब जो मान चलो जो खर्चा है ना, वो मान लो 30,000 का खर्चा आता है, ठीक है, तो 30,000 रुपये कैसे लगे ऐड कर दो इसमें, जो 30,000 रुपये उसको ऐड कर देंगे, तो 4,80,000 है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? नेट अमाउंट है या फिर टोटल पेबल प्राइस है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो भाई ये सारी की सारी बात तो पता होनी चाहिए, ठीक है, उसी के बाद क्या है कि तुम इसके जो क्वेश्चंस है वो कर पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो देख लो एक बार। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है वो है, मतलब जान लो फॉर्मेट ऑफ परचेस बुक, ठीक है। वैसे परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न सब ऐसे ही होगा, ठीक है। तो हेडिंग आनी है फॉर्मेट ऑफ परचेस बुक, ठीक है। देखो भाई, जो हमारे पास ये परचेस बुक है ना, इसका फॉर्मेट बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना और बाकी जो क्वेश्चन है आराम से निपट जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले मेरे पास आएगा डेट का कॉलम, ठीक है। डेट के बाद जो तुम्हारे पास नेक्स्ट है वो आ जाएगा पर्टिकुलर, डेट के बाद पर्टिकुलर है, फिर अगला है इनवॉइस नंबर, ठीक है, पहला डेट, फिर पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फॉलियो, लेजर फॉलियो मतलब डिटेल, डिटेल के बाद है अमाउंट, ठीक है। क्या भाई, देखो पहला पहला हमारे पास है डेट, फिर है पर्टिकुलर, फिर है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, फिर है लेजर फॉलियो, फिर यहां पे डिटेल, फिर है अमाउंट। सुनो, तुम्हें इसमें जो बातें समझनी ना वो है क्या, मैं तुम्हें अभी कैलकुलेशन सिखाई थी साइड में, जो मैंने कैलकुलेशन बताई थी वो सारा सारा तुम्हें यहाँ लिखना होता है, बस तुम्हारी जो मैंने तुम्हें अभी कैलकुलेशन बताई थी ना साइड में, कैलकुलेशन देखो कैसी थी, इस टाइप से थी ना कि पहले मेरे पास है लिस्ट प्राइस, ठीक है, लिस्ट प्राइस कैसा क्वान्टिटी इंटू में प्राइस था, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारी आ गई थी लिस्ट प्राइस, इसमें से पहले तुम्हें लेस करना था ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट अगर हम लेस कर देते हैं, ठीक है, फिर जो भी अमाउंट आया था उसमें हमें क्या ऐड करना था, जो भी एक्सपेंस था, जो एक्सपेंसेस था उसको ऐड कर दो, ठीक है भाई। ऐड करते हैं हमारे पास क्या आता है, जो टोटल पेबल प्राइस था, टोटल पेबल प्राइस, ठीक है। देखो अब ना तुम्हें समझना क्या है, हमें यही सेम चीज ना इधर लिखनी है, ठीक है, और कुछ नहीं। देखो मेरे पास ना, लेकिन एक छोटी सी बात चेंज आएगी, जैसे मान के चलो मैंने बोला आज की डेट है 2021 और 1 अप्रैल, ठीक है, जो 1 अप्रैल है ना इसको हमें देखना है। देखो सबसे पहले मान लो कि हम किसी ना किसी कंपनी से तो खरीदेंगे ना,
किसी किसी कंपनी से खरीदते हैं, सबसे पहले लिखते हैं उसका कंपनी का नाम, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिख दूं, मैं लिखा एम एस राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी, ठीक है। पहले मैंने ये हेडिंग डाल दी, इसको लिखना ब्लैक पेन से लिखना होता है वैसे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज है, हमें क्या ध्यान रखना है कि हमने कितना कितना सामान खरीदा है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इस कंपनी से ना, यहाँ पे क्या मान लो, ऐसा मान लो कि मैंने शूज खरीदे हैं, ठीक है। मैं लिख दूं 50 dozen ऑफ शूज, ठीक है। तो कितने, 50 dozen खरीदे, ठीक है। तो 50 dozen ऑफ शूज एट द रेट ईच, ये मान लो 1000, ठीक है। हरे कितने का है, 1000 का है। तो देखो तुम्हें देखना, 50 dozen खरीदे हमने और एक जो हमारे पास दर्जन है ना वो कितने का है, 1000 रुपये का है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कितना मेरे पास, 50,000 आ जाएगा, ठीक है। मान लो कोई था इनवॉइस नंबर, ठीक है, इनवॉइस नंबर यहाँ डाल दो। लेजर फॉलो में कुछ नहीं डाला, डिटेल में पहले, सबसे पहले लिखेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। कितने, 50,000 आ गए, ठीक है। फिर मान लो मैंने इसे और भी खरीदे, ठीक है। मान के चलो कि मैंने इससे लॉफर्स खरीद लिए, ठीक है, 10 या फिर 100 लॉफर्स, ठीक है, 100 लॉफर्स ऑफ ईच, ये मान लो 1000, ये भी लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मेरे पास, 1,00,000 का आ जाएगा ये, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, ये 1,00,000 का हो गया। तो इतना मैं टोटल कर दिया भाई। टोटल करने के बाद ना हमें क्या देखना है, पहले इसका करेंगे टोटल, ठीक है। टोटल 1,50,000 आ गया मेरे पास, 1,50,000, ठीक है। इसमें से ना देखो टोटल हो गया अपना, मान लो ट्रेड डिस्काउंट है 10%, लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एट द रेट 10%, ठीक है। 10% के हिसाब से मेरे पास आएगी ट्रेड डिस्काउंट के, इसको कर दो माइनस, ठीक। कितना आएगा मेरे पास, 15,000 आ जाएगा, 15,000 कर दिया मैंने इसमें से माइनस, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई सा खर्चा होता है, ठीक है, तो पहले इसको लेस करके लिख देंगे, ठीक है। कितना आएगा मेरे पास, 1,35,000 आ गया, ठीक है। अब इसमें मेरे पास अगर कोई खर्चा है, ठीक है, ऐड कर दो एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑन परचेस, परचेस करने पे जो भी खर्चा है, ठीक है, वो सारे लिख दो यहाँ पे। अब कितने का मेरे पास आ जाएगा, जैसे मान लो मैं लिख दे रहा हूँ कि 5,000 का खर्चा हुआ है, तो 5,000 रुपये ऐड कर दो, ठीक है। टोटल कितने का आ गया, 1,40,000, उस 1,40,000 को यहाँ लिख दो, बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर भाई, ये बात समझ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से करने जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये अगर तुम्हें ऐसा करना आ गया ना, ठीक है, अपना जो हमारे पास नेक्स्ट है उसको निकाल लो, इलिस्ट्रेशन फर्स्ट, ठीक है, वो देखते हैं। भाई जो हमारे पास ना है इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो देखो हमारे पास करेगी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ MS राजेश एंड कंपनी दिल्ली प्रिपेयर द परचेस बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, देखो अब ना मैं जो एग्जैक्ट जो होता है ना फॉर्मेट, हम वो देखते हैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ MS, ठीक है, राजेश एंड कंपनी है ना, राजेश एंड कंपनी, ठीक है, ये लिख दिया भाई। उसके बाद हम ना अब देखेंगे कि हम कौन सी बुक बना रहे हैं, परचेस बुक बना रहे हैं ना, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे परचेस बुक, ठीक है, परचेस बुक है हमारे पास। अब जो इसकी डेट है, ठीक है, वो तो हमारे पास साइड में रहती है। तो भाई देखो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पहले मेरे पास आएगा डेट, ठीक है, डेट के बाद थोड़ा लंबा बन जाएगा, सुनो, डेट जाके पर्टिकुलर, फिर इनवॉइस नंबर, लेजर फॉलियो, इनवॉइस नंबर के बाद क्या हमारे पास, लेजर फॉलियो, फिर जाके है डिटेल्स, डिटेल्स के बाद जो अगला है वो है अमाउंट, ठीक है भाई। ये सारी सारी चीजें हैं, तो इसे कर लो फिर। पहला है डेट, पर्टिकुलर्स, फिर क्या, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, फिर है लेजर फॉलियो, फिर है डिटेल्स, डिटेल्स के बाद क्या हमारे पास अगला, अमाउंट है, परचेस बुक कट गई है। सुनो भाई ये चीज हमारे पास सबसे ना, देखो पहली एंट्री देखो क्या लिखा है, 2021 मार्च 1st,
2021 है 1 मार्च। अब सुनो, तो कह रहा है कि परचेज फ्रॉम MS ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। यहाँ देखो भाई, पहले कंपनी का नाम लिखा हुआ है, क्या क्या परचेज फ्रॉम MS ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता है। क्या खरीदा भाई? 5 ग्रॉस पेंसिल। भाई ग्रॉस का मतलब क्या होता है? गट्ठर, जो ऐसे बंडल बने होते हैं ना, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रॉस। कह रहे कि 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट 1200 पर ग्रॉस, ठीक है, ये लिखा हुआ है। देखो अपना, हमें पहली एंट्री से क्या समझना है यहाँ पे, देखो इसमें क्या कर रखा है, हमें यहाँ पे ना ये समझ लेना कि भाई ये जो बंदा है ना वो क्या कि स्टेशनरी हो, इस जो स्टेशनरी का काम करता है, ठीक है। देखो अगर हमारे पास ना क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि स्टेशनरी का बिजनेस है इसका, हमें ना बहुत सारी ट्रांजेक्शन देखनी है, ठीक है, उन सारी की सारी ट्रांजेक्शन में सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन होगी ना हमें समझना है वो कंपनी इस चीज की है। बात समझ आ रही है? अब देखो तो यहाँ पे क्या है, कहाँ से हमने परचेस किया है? MS ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता, ठीक है। तो भाई यहाँ पे लिख दो MS ब्राउन, ब्राउन है ना, MS ब्राउन एंड कंपनी, ठीक है, एंड कंपनी कोलकाता, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या समझना है, पहले क्या कहते हैं उसने 5 ग्रॉस पेंसिल, ठीक है, एट द रेट 1200 पर ग्रॉस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट 1200 ईच, ठीक है भाई, पर ग्रॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे चलो पर ग्रॉस लिख दो मैं, पर ग्रॉस। तो भाई कितना पड़ेगा? 12×5=60, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनवॉइस नंबर हमें पता नहीं कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद जो लेजर फॉल लेगा छोड़ो, डिटेल पे आ जाओ, तो कितना है 1200 × 12×5=60, तो हमें पहले 60 लिख देंगे और फिर 20 है, तो कितने का आ गया भाई? 6000 की पहले हमने जो है पेंसिल खरीद लिए, ठीक है। उसके बाद अगला बोल रहा है कि 2 dozen, ठीक है, 2 dozen रजिस्टर खरीदे 500 पर डजन, ठीक है, तो 2 dozen, ठीक है, मेरे पास क्या है, रजिस्टर खरीदे वही जो नोटबुक है, ठीक है, 2 dozen रजिस्टर, और कितना भाई? 500 ईच है, ठीक है भाई, मान लो पर डजन या फिर ईच है, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या है कि 2 dozen रजिस्टर है, और मेरे पास क्या है कि कितने खरीदे मेरे, 500 रुपये का 1 dozen है, तो कितना पड़ जाएगा? 1000 रुपये का नहीं पड़ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो 1000 रुपये, ठीक है। टोटल देखो कितने का पड़ गया? 7000। कोई डिस्काउंट वगैरह है इसमें? लिखा है कि ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास है 10%, ठीक है, तो यहाँ पर लेस कर दो, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक, कितना 700 का आता है 10%, यहाँ पर लिख लो 10% है, तो कितना है 700, तो यहाँ पर कर दो माइनस, कितना आएगा? 6300 आ गया, ठीक है। उसके बाद ना अगला समझो हमारे पास क्या है, दूसरा कहते हैं परचेज फ्रॉम द पेपर कंपनी, ठीक है, दिल्ली। हमने क्या खरीदा उसे? 8 reams ऑफ व्हाइट पेपर, ठीक है, 8 reams खरीदे, 8 bundles खरीदे एक तरीके से मान लो। तो यहाँ पे कंपनी का नाम है पेपर कंपनी दिल्ली, ठीक है, द पेपर कंपनी। इस देखो भाई पहले हमारे पास हो गया, सुनो पहला होने के बाद ना इसको क्लोज कर देना होता है, ठीक है, दूसरे पे आ जाओ। डेट है हमारे पास 4 मार्च की, 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च की डेट है। तो इसमें क्या है हमारे पास? द पेपर कंपनी दिल्ली, द पेपर कंपनी दिल्ली में, ठीक है। अब सुनो इससे हमने क्या कहता है भाई, 2 reams ऑफ व्हाइट पेपर, कितना 2 है 8 है, 8 reams ऑफ, 8 reams ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट कितना है भाई? 500 पर रिम, ठीक है, 500 पर रिम, ठीक है भाई। एक रिम कितने का बताया उसने? 500 का, तो 8×5=40, 4000 का यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे माला दूसरा इनवॉइस नंबर डाल दो, ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि 10 reams ऑफ रूल्ड पेपर, ठीक है, हमारे पास क्या अगला? रूल्ड पेपर खरीदे उसने 600 पर रिम है, ठीक है। अगला है 10 reams ऑफ रोल्ड पेपर, उसके बाद है एट द रेट कितना है? 600 पर रीम है, ठीक है, यहाँ पे है 600 पर रीम, तो कितने का आएगा भाई?
6000 का यहाँ पे आ गया, और तो कुछ परचेस नहीं किया, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो भाई इसका पहले टोटल करो कितना, 6, 4, 10,000 आ रहा है, ठीक है, आ गया मेरे पास 10,000। इसमें क्या ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, ठीक है, तो लेस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो कितना आ गया भाई 1,000, 1,000 माइनस कर दो, हमारे पास कितना आ गया, 9,000, ठीक है। बताओ ये बात समझ में आ गई, फिर सुनो भाई, लास्ट में बात करें कि परचेज 80 रेनॉल्ड्स पेन, ठीक है, 500 ईच फ्रॉम एमएस वर्मा ब्रोस, ठीक है, तो भाई पहले इसको क्लोज कर दो, फिर लास्ट का कर देते हैं, ठीक है, और कितने का हुए, 5 मार्च को है, 5 मार्च, तो वहाँ पे क्या हमने किससे खरीदा भाई, एमएस वर्मा ब्रोस, एमएस वर्मा ब्रोस, ठीक है, और कहाँ का है भाई, दिल्ली का है भी, दिल्ली, तो क्या खरीदा हमने उसे, हमने खरीदा है 80 रेनॉल्ड्स पेन, 80 रेनॉल्ड्स पेन एट द रेट 5 है ना, ठीक है, एट द रेट 5 ईच, हाँ भाई ठीक है, देखो तो मेरे पास कितना है, 8 × 5 = 40, तो यहाँ पे 40, तो कितना आएगा 400, यहाँ पे 400 भाई, इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट है नहीं ना, देखो जब भी ना कोई डिटेल एंट्री नहीं करनी होती ना, सीधा सीम एंट्री कर दिया करो, ठीक है, कोई बात नहीं पड़ती इसमें, बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे टोटल, यहाँ पे कर दिया कितना आया मेरे पास, 15,700, यहाँ पे आ गया 15,700 भाई, टोटल परचेस कितने की मेरे पास, 15,700 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे परचेस अकाउंट जो मेरे पास ना डेबिट हुआ है, कितने से हुआ होगा, परचेस अकाउंट हुआ है मेरे पास डेबिट 15,700, ठीक है, और इन सब के अकाउंट जो है ना भाई, जो नाम लिखे मैंने पहला एमएस ब्राउन एंड कोलकाता, जो मेरे पास कंपनी कोलकाता का है जाके द पेपर कंपनी दिल्ली, तो मेरे पास क्या है अगला वर्मा ब्रोस, ठीक है, इन सबको हम क्या क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, बताओ इन सबको दिक्कत तो नहीं है भाई, हमें ना ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए, ठीक है, और ये हमारे पास ना यहीं पर क्वेश्चन की समाप्ति हो जाती है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, थोड़े बहुत ट्राई करना है इसके, जो जो होंगे देखना, हाँ ब्लैक पेन, बस थोड़ा बोल्ड कर लेगा तो भी चलता है, ठीक है, कर सो नोट डाउन।